स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 एमसीक्यूज लीनियर अलजेब्रा पर। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हैज ए सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर लैम्डा व्हिच इज नॉट जीरो एज एन आइगन वैल्यूज। अब इस मैट्रिक्स ए का एक आइगन वैल्यूज यहां पर लैम्डा दिया हुआ है जो नॉन जीरो है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट आल्सो बी एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का एक कौन सा आइगन वैल्यूज होगा यहाँ पर पता करना है, और कौन सा आइगन वैल्यूज आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है लैम्डा प्लस 20, सेकेंड ऑप्शन लैम्डा माइनस 20, थर्ड ऑप्शन 20 माइनस लैम्डा, और फोर्थ ऑप्शन माइनस 20 माइनस लैम्डा। तो एक आइगन वैल्यूज लैम्डा है और बाकी जो आइगन वैल्यूज होगा वो हम लोग को पता करना है कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा आइगन वैल्यूज होगा मैट्रिक्स ए का। इसको बनाने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड मैथड नहीं बल्कि एक ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए कौन सा ट्रिक यूज करेंगे जरा ध्यान से समझिए। इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज के लिए हम लोग सबसे पहले इस रो को के एलिमेंट को सम करते हैं। तो रो का एलिमेंट को आप ऐड कीजिए, देखिए क्या आता है। 40 में 29 माइनस 29 और माइनस 11 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो। अब सेकेंड रो के एलिमेंट को भी यहाँ पर सम करेंगे तो माइनस 18 और प्लस 30 माइनस 12, ये तीनों को ऐड करने पर यहाँ पर भी ये जीरो आएगा। थर्ड रो को भी ऐड करते हैं इसके एलिमेंट को तो 26 प्लस 24 50 आ जाएगा, और फिर माइनस 50 ऐड करेंगे तो जीरो। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक रो के एलिमेंट का सम जीरो आ रहा है। तो एक आइगन वैल्यूज इसका फिक्स हो गया, एक आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू जीरो होगा। अगर प्रत्येक रो का सम सेम एलिमेंट आ जाए तो उसका एक आइगन वैल्यूज वही एलिमेंट होता है, वही नंबर होता है। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू जीरो एक आइगन वैल्यूज हो गया, और ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका तीन आइगन वैल्यूज होगा। तो ये तीनों का जो सम होता है वो ट्रेस के बराबर होता है। मान लेते हैं कि तीन आइगन वैल्यूज में से एक लैम्डा 1 है, दूसरा हम लोग मानते हैं कि एक जो है वो लैम्डा 2 है, और तीसरा जो थर्ड आइगन वैल्यूज है वो हम लोग मानते हैं कि लैम्डा 3 है। और ये तीनों का सम किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होता है। ट्रेस कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट का सम करके करते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट का आप सम कीजिए, 40, 30 और माइनस 50, ये तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 40 प्लस 30 70, 70 में 50 माइनस 50 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। तो ये तीनों आइगन वैल्यूज का जो सम है वो 20 के बराबर आएगा। अब देखिए इस तीन आइगन वैल्यूज में से एक आइगन वैल्यूज तो हम लोग को पता चल चुका है। मान लेते हैं जो फर्स्ट आइगन वैल्यूज है वो जीरो है, जीरो यहाँ पर तो आ चुका है एक आइगन वैल्यूज, और सेकेंड आइगन वैल्यूज जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम लोग ले लेते हैं, लैम्डा सेकेंड आइगन वैल्यूज हो गया, और थर्ड आइगन वैल्यूज हम लोग को नहीं पता है। तो थर्ड आइगन वैल्यूज को हम लोग को जो कहते हैं लैम्डा 3 ही रहने देते हैं, और ये तीनों का जो सम है वो 20 के इक्वल है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लैम्डा 3 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्डा 3 का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा 3 का वैल्यू हो जाएगा, आप यहां से देख सकते हैं निकाल सकते हैं, 20 माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है आप खुद देख लीजिए। ये जो सी ऑप्शन है ये ट्रू है, 20 माइनस लैम्डा एक ऑप्शन आ रहा है यहां पर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हम लोग बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसका प्रत्येक एंट्री जो है वो रियल नंबर है। सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी दिया हुआ है, एंड द ट्रेस ऑफ ए 0, ट्रेस भी दिया हुआ है। इफ डिटर्मिनेंट ए प्लस आई इक्वल टू 0, अगर ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट 0 हो तो वेयर आई डिनोट्स द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहां यहां पर आई जो है वो 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर। अब इस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यूज कौन सा ऑप्शन यहां पर ट्रू होगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा आइगन वैल्यूज होगा वो निकालना है। तो मैट्रिक्स यहाँ नहीं दिया हुआ बल्कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका ट्रेस दिया हुआ है, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी हम लोग स्टैंडर्ड मेथड से नहीं बनाएंगे बल्कि एक ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए ट्रिक का यूज करके कैसे इसको बहुत ही कम समय में हम लोग बना सकते हैं। एक रूल होता है कि जो आइगन वैल्यूज आएगा, तीन आइगन वैल्यूज होगा क्योंकि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो तीनों आइगन वैल्यूज का जो सम होता है वो ट्रेस के बराबर होता है। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये तीन आइगन वैल्यूज हम लोग मान लिए तो तीनों का जो सम होता है वो ट्रेस के बराबर होता है। ट्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रेस कितना है मैट्रिक्स का, 0 है।
और साथ में एक और भी रूल होता है कि तीनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर निकालें, लिम्डा 1, लिम्डा 2, लिम्डा 3, तीनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 6 दिया हुआ है, तो इसीलिए ये हो जाएगा 6। अब ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से हम लोग चेक कर लेंगे कि ये दोनों को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले ये देखिए -1, 2 और 3, ये तीन आइगन वैल्यूज है तो तीनों का सम 0 आना चाहिए। यहाँ पर क्या 0 आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, -1 में 2 ऐड करेंगे 1, 1 और 3 ऐड करते हैं तो 4 आ जाता है, तो ये तो 0 नहीं आ रहा है। फिर हम लोग सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे कि -1 में 2 ऐड करेंगे 1 और 1 में फिर -3 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो ये भी 0 नहीं आ रहा है। थर्ड ऑप्शन में आप देखिए 1 और 2, 3, 3 में फिर -3 को ऐड करेंगे तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, अब सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है यानी वो भी चेक कर लीजिए। तो तीनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 6। क्या यहाँ पर तीनों का प्रोडक्ट 6 आएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और फिर -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। इसका मतलब थर्ड सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन, ये तीनों का जो सम है वो तो 0 आ रहा है, -1, -2, -3 और 3 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर तीनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा, -1 और -2 को ऐड करेंगे तो 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब ये सवाल को इस तरीके से हम लोग बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, ये रो है, और इस मैट्रिक्स का फिर पावर में 20 दिया हुआ है। अब कह रहा था ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, पावर में 20 है तो कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ पर भी एक ट्रिक का यूज करेंगे, क्या करेंगे जरा समझिए। एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इस मैट्रिक्स को ए मान ले, पावर को हटा करके 2, 1, 0 यहाँ पर है और फिर है 0, 2, 0 और फिर थर्ड रो है 0, 0, 3। तो आप देख रहे हैं कि गौर से देखिए तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर डायगोनल जो एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल, उसके नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 है। अगर यहाँ पर ए का पावर 20 कर दिया जाए, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो तो ए का पावर 20 हो जाएगा। अगर ए का पावर 20 कर दिया जाए तो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये जरा समझिएगा। यहाँ पर बड़ा आसानी से इसको बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए टू द पावर 20 होगा, हम लोग उसका डायगोनल एलिमेंट जो देखेंगे तो वो 2 का पावर 20 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का पावर 20 हो जाएगा। यहाँ पर कोई नंबर आएगा, उस नंबर के बारे में हम लोग को अभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी कोई नंबर आएगा, उसको भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ डायगोनल एलिमेंट देखते हैं। यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 का पावर 20। यहाँ पर ए का पावर 20 निकाल रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट में पावर वही बन जाएगा, और यहाँ पर भी एक नंबर आएगा, उस नंबर को हम लोग को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 to the power 20। ये रूल होता है कि अगर वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और उसका पावर करेंगे, जैसे ए का पावर 20 किए तो डायगोनल एलिमेंट में पावर 20 हो जाएगा, नीचे डायगोनल के एलिमेंट के नीचे सारा एलिमेंट 0 होगा, और ये जो एलिमेंट होगा वो हम लोग को पता करना पड़ेगा। खैर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग को ट्रेस निकालना है। तो आप जानते हैं ट्रेस क्या होता है, ये डायगोनल एलिमेंट का सम के बराबर होता है ट्रेस। तो ए टू द पावर 20, अब ये मैट्रिक्स जो है वो ए टू द पावर 20 हो गया, इसका ट्रेस निकालना है तो इसके डायगोनल एलिमेंट को हम लोग सम कर देंगे, तो जो डायगोनल एलिमेंट आ रहा है उसका सम आएगा क्या। देखिए डायगोनल एलिमेंट में 2 to the power 20 है और फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट भी 2 to the power 20 है, इसको भी यहाँ पर ऐड करेंगे और फिर एक और जो है वो 3 to the power 20 है, तो इसका जो ट्रेस होगा ये यही आ जाएगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, यहाँ पर अभी तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए इसको आप ऐड कीजिए 2 to the power 20 और 2 to the power 20, दोनों को ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा, 2 times into 2 to the power 20 हो जाएगा और प्लस फिर 3 to the power 20। तो इस तरीके से आप देखिए आप कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
बहुत कम समय में हम लोग इसको बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, लेट एम बी द मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है सेकेंड बाई टू बाई टू ऑर्डर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन डज एम सेटिस्फाई। अब एम जो मैट्रिक्स है वो कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है, कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम से कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो यहाँ पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं इस मैट्रिक्स का। ये जो मैट्रिक्स है वो एम है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेंगे, बनेगा अगर हम लोग लेमडा में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं तो लेमडा स्क्वायर माइनस होगा यहाँ पर ट्रेस ऑफ एम, इस मैट्रिक्स का ट्रेस लिखते हैं यहाँ पर, ट्रेस ऑफ एम, ये जो मैट्रिक्स है एम उसका ट्रेस लिखते हैं और इनटू लेमडा, और प्लस फिर हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं मैट्रिक्स एम का, और इक्वल टू जीरो, यही होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब देखिए यहाँ पर लेमडा स्क्वायर तो रहने देते हैं, और ट्रेस कैसे निकालेंगे, ट्रेस निकालने के लिए इसके डायगोनल एलिमेंट को हम लोग सम कर देंगे, तो टू में माइनस वन अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा वन, तो यहाँ पर ट्रेस हो जाएगा वन, वन इंटू लेमडा, और फिर अगर डिटर्मिनेंट की बात करें इस मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट आएगा माइनस टू माइनस थ्री, माइनस फाइव होगा, तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये माइनस फाइव आएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर माइनस फाइव हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो ये बन गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है, तो लेमडा के जगह यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे एम, ये एम स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एम आएगा, और यहाँ पर माइनस फाइव आई लिखना पड़ेगा कांस्टेंट के साथ में, फिर आई लिखते हैं और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स। अब ये देखिए ये जो इक्वेशन आ रहा है, इस इक्वेशन में से कोई ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी ऑप्शन नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए प्रत्येक साइड एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है उसमें एम क्यू हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर आएगा, और फिर यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस फाइव रहेगा, और आई में जब मल्टीप्लाई करेंगे एम मैट्रिक्स से तो एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए ये ऑप्शन कहीं पर आ रहा है, आप देखिए ये जो बी ऑप्शन है ये जो है एम क्यू माइनस एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इक्वल टू जीरो, ये जो है ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, फिर दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दिए और इसका ऑप्शन हम लोग ढूंढ लिए कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अब आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर एक दिया हुआ है मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू आर, जहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेयर ए एक थ्री बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक्स एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आर भी यहाँ पर दिया हुआ है। वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इज, इसमें से कौन सा एक आइगन वैल्यूज है, ये थ्री बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका तीन आइगन वैल्यूज होगा, तो उसमें से कौन सा एक आइगन वैल्यूज यहाँ पर होगा ये पता करना है। देखिए ये भी बड़ा आसानी से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को, कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ए इंटू एक्स इक्वल टू आर दिया हुआ है, ये जो आर मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख जाते हैं, तो ये मैट्रिक्स है क्या, यहाँ पर 32 और यहाँ पर है 16 और फिर है 64, यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब क्या कीजिए आप इसको, यहाँ ए इंटू एक्स तो रहने देते हैं और यहाँ पर हम लोग ये एक्स रहने देते हैं, और यहाँ पर आप जो कॉमन आ रहा है इस मैट्रिक्स से तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ 16 कॉमन आ जाएगा, तो 16 कॉमन लेने के बाद कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, 2 यहाँ पर होगा, फिर यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा a इंटू एक्स इक्वल टू 16, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आप देखिए ये मैट्रिक्स एक्स है, 2 1 4 यहाँ पर एलिमेंट था, फर्स्ट रो कॉलम था, तो ये मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा। अब इसको आप इधर ले आइए,
तो इधर ले आएंगे तो ए और एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ए माइनस 16 इंटू आई यहाँ पर हो जाएगा अगर एक्स कॉमन लेंगे तो 16 आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से हम लोग को पता चला ना ए माइनस लिमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, इसको सेटिस्फाई करने वाला जो होता है वो एक्स को हम लोग कहते हैं आइगन वेक्टर, तो एक्स तो यहाँ पर आइगन वेक्टर हो गया और ये जो है वो आइगन वैल्यूज होगा 16 जो है वो आइगन वैल्यूज हो गया, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो है हम लोग का ये बन गया, फोर्थ नहीं बल्कि मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर ये जो है वो 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये 5 क्वेश्चन देखे हैं बहुत ही कम समय में, जो मैं भी आज बताया हूँ वो एक सभी क्वेश्चन जो है वो ट्रिक से बताए हूँ, तो बहुत ही कम समय में हम ये सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख पाएँ। आप मुझे भी कोऑपरेट कीजिए, मैं आप लोग को वीडियो बना करके देते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।